माल्टे इतने ज्यादा रहना, सभी लोग को कभी आना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है सलू नेगी और आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मैं फिर से अपने एक और नए ब्लॉग में। अभी सुबह के लगभग 8 बज रहे हैं और आज का मौसम मैं आप लोगों को दिखाऊं तो तेज़ वाली धूप लगी हुई है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम हो रखा है। बाकी दोस्तों अभी ना मैं अपनी गौशाला पर आ गई हूँ। बाकी माँ यहाँ पीछे ना भैंस को अंदर बांध रही है, भैंस को पानी पिला दिया है। बाकी आजकल हम लोगों ने अपने खेतों की सफाई भी कर दी है और लोगों ने हल लगाना भी शुरू कर दिया है, तो कुछ टाइम बाद हम लोग भी हल लगा देंगे। लेकिन उससे पहले ना खेतों में खाद डालनी ज़रूरी है, तो हम लोग ना आज से ना गोबर डालना शुरू करेंगे। बाकी यहाँ पर हमारा गोबर का खुड है, तो हम यहीं से गोबर डालेंगे। एक बार वहाँ भैंस को अंदर बांध लेगी तो उसके बाद हम लोग भी शुरू कर देंगे गोबर डालना। बाकी आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। आज की सुबह का मौसम मैं आप लोगों को दिखाऊं तो तेज़ वाली धूप लगी हुई है और पहाड़ों में चारों तरफ ना धुंध जैसी दिखाई दे रही है और माँ कंडी लेके भी आ गई है। तो माँ ने ना कल शाम को ना कंडी पर ना कुछ ऐसे कट्टे लगा रखे हैं जिससे कि कंडी ना जल्दी टूटे ना और थोड़ा ज़्यादा देर तक चले। बाकी आज हम इन्हीं कंडियों से ना गोबर डालेंगे। तो हम लोगों ने भी शुरू कर दिया है गोबर डालने की शुरुआत हो चुकी है। बाकी माँ कंडी भरी है गोबर की और यहाँ पर ना नैना लोगों की कद्दू की बेल का ना एक छोटा सा कद्दू लगा हुआ है यहाँ पे और यहाँ पर रखे हुए हैं हमने चचंडे के बीज, जो कि हमने ना यहाँ पर जो हमारे सब्जी की बेल थी ना उस पर एक चचंडा रखा हुआ था बीज के लिए, तो उससे निकाले हैं और इनको ना हम घर ले जाएंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में चूहे हैं और चूहों ने ना चचंडे के बीज कुछ ऐसे खा रखे हैं, तो इसलिए हम इनको घर ले जाएंगे। तो बाकी माँ ने ना मेरे लिए गोबर की कंडी भर दी है और मैंने सबसे पहले ना उधर ले जाना है उधर के खेत में, तो बाकी चलते हैं। एक ही कंडी गोबर डाल के ना हालत ख़राब हो गए हैं और मैं सच बताऊं आपको ना मुझे ना गोबर डालने का काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और मैं सोचती हूँ ये वाला गोबर डालने वाला टाइम ना कभी आना ही नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा, मजबूरी है। बाकी बुखार खांसे जुखाम से ना हालत ख़राब हो रहे हैं। के 10:30 बज रहे हैं और हमने ना दो खेतों में गोबर डाल दिया है। बाकी अभी यहाँ पर माँ के द्वारा गोबर की कंडी भरी जा रही है और ताऊ जी ना पानी ले जा रहे हैं गौशाला अपने पशुओं के लिए। ताऊ मोर्चा श्वेत के लगभग 11 बजने वाले हैं और हम लोगों ने नज़दीक के खेतों में गोबर डाल दिया है और अभी के टाइम पर ना सभी लोग गोबर डालने पर लगे हुए हैं। बाकी अब हमने ना उधर डालना है अपने गांव के ऊपर, तो खेत थोड़ा दूर है तो हम लोग ना ले जाते हैं जल्दी जल्दी गोबर की कंडी। बाकी माँ घर से ना एक दो माल्टे भी लेके आई है। बेशक ये माल्टे बाहर से हरे हैं लेकिन अभी से ना ये माल्टे मीठे होने लग गए हैं, तो इसलिए इस साल के पहले माल्टे हम लोग ना गौशाला पर खा रहे हैं जो कि बाहर से बिल्कुल हरे पीले दिखाई दे रहे हैं और अंदर से बिल्कुल मीठे। माल्टे इतने ज़्यादा रसीले हैं ना, तो मैंने ये माल्टा काट दिया है और इससे ना बहुत ही ज़्यादा रस निकल रहा है। उस खेत में ना जाते जाते इतनी ज़्यादा थकान लग रही है ना, क्या ही बोले। दिन के 12 बज रहे हैं और हम लोगों ने ना गोबर डाल दिया है, तो आप
नहीं डाल रहे हैं। बाकी चलते हैं घर की ओर। दिन के 1:30 बज रहे हैं और घर आके हमने खाना बना के खाना भी खा लिया है। बस अब बर्तन धोने की बारी है मेरी, तो जल्दी से धो लेती हूँ और उसके बाद थोड़ा। शाम के लगभग 4 बज रहे हैं और मैं फिर से आ गई हूँ अभी गौशाला, क्योंकि गोबर डालना है। बाकी माने दिन मैं यहाँ पर मेरे लिए कंडी भर के रख दी थी, तो मैंने अभी ये कंडी ले जानी है। और अभी ना मैंने अपने गांव के नीचे खेत में ले जानी है ये गोबर की कंडी, तो यहाँ से थोड़ा दूर हो गया है और वैसे ही रास्ता अच्छा नहीं है वहाँ तक पहुँचने का। आज के दिन में ही हम लोगों ने ना इतना गोबर डाल दिया है, खुद से आधा खुद खाली हो गया है। फाइनली बहुत मुश्किलों के बाद ना मैं खेत में पहुंची हूँ। और हमारा खेत ये वाला नहीं है, हमारा खेत उधर वाला है जहाँ पर एक कंडी मैंने डाली अभी। बाकी लोगों का खेत है और लोगों ने भी गोबर डालना शुरू कर दिया है, और इस खेत में तो लोगों ने गोबर डाल ही दिया है। तो आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आप सभी लोगों से अपने एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक बने रहिए मेरे चैनल पर। जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय बाय।